नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। दोस्तों, सलमान खान ने जताया अभिनव शुक्ला के एविक्शन का अफसोस, लगाई जासमीन भसीन की क्लास। जी हाँ, बिग बॉस 14 के आखिरी वीकेंड का वार का हर किसी को तहे दिल से इंतज़ार है। अमूमन वीकेंड पर शो के होस्ट सलमान खान सभी कंटेस्टेंट्स की वाट लगाते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते सलमान खान कंटेस्टेंट्स के साथ मस्ती मजाक करते हुए नज़र आने वाले हैं। सलमान खान का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन भसीन पर फूटने वाला है। ये जानकारी सामने आई है कि सलमान खान जैस्मिन भसीन पर अपना गुस्सा इस वजह से निकालेंगे क्योंकि अपनी एंट्री के बाद से वो लगातार रुबीना दिलायक को पोक करती नज़र आ रही है। अली गोनी के कहने पर भी जैस्मिन भसीन नहीं मानी थी और टिकट टू फिनाले टास्क में उन्होंने रुबीना के साथ खूब बदतमीजी की थी। जैस्मिन भसीन ने बिना बात के रुबीना दिलायक के पीठ पीछे भद्दी भद्दी बातें कही है। ऐसे में सलमान खान खुद को रोक नहीं पाएंगे और वो जैस्मिन भसीन से उनको हद में रहने की हिदायत देंगे। दूसरी ओर सलमान खान इस हफ्ते घर से बेघर हुए कंटेस्टेंट अभिनव शुक्ला को भी याद करेंगे। निकी तंबोली और राखी सावंत इस शो की फाइनलिस्ट बन चुकी है। दोनों इस हफ्ते के नॉमिनेशन से बाल बाल बच गई क्योंकि वोटिंग ट्रेंड में दोनों का नाम बॉटम टू में था। इस समय नॉमिनेशन की तलवार अली गोनी, रुबीना दिलायक, देवोलीना भट्टाचार्य जी और राहुल वैद्य पर है। इनमें से अली और देवोलीना को सबसे कम वोट मिल रहे हैं। अगर मेकर्स इस हफ्ते डबल एविक्शन करवाते हैं तो इस हफ्ते इन दोनों का पत्ता शो से साफ हो सकता है। फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप बिग बॉस 14 के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं। साथ ही ये भी बताएं कि आपके हिसाब से इस शो को कौन जीतने वाला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।